Hey, Myth Pat, hello, hello. यार एक सेल्फी तो बनती है ना यार, तुम्हारा फैन हूँ मैं। ऑल राइट, तो कैसे हो आप सब लोग? आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं GTA 5। मैंने यार बहुत बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ पॉपुलर गेमर्स की व्लॉग्स देख लिए जाएं। टट्टी भाई क्या होता है भाई? सलवार कमीज आज मैंने पहनी है गाइस, मैं कुछ शरीफ शरूफ नहीं हुआ। मैंने कहा जो है ना थोड़ा सा रमजान भी आने वाला है, लुक हो जाए। हाँ जरा लुक शुक हो जाए। हाय 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 यार, ये क्या बकवास है, ये कुछ ठीक लग रहा है? लिटरली हम लोग आ चुके हैं GTA 5 के अंदर। अरे वाह मिथ पैट, लॉस सैंटोस आया हुआ है यार, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उससे मिलने की। वैसे ना यार मेरे घर में जो कचरा मचा हुआ है इसे इग्नोर करो, मैं थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर रहा था घर की। पर अब ना यार दफा करो सेटिंग को, सेटिंग की किसे पड़ी है। हम लोग अब चल के मिथ पैट से मिलने वाले हैं। अपनी तो यार बोरियत का इलाज हो गया, पर अब यार उससे मिलने जाना है तो हमें अच्छा सा सूट पहनना पड़ेगा पहले। अबे यार घर की चीजें क्यों तोड़ फोड़ रहा हूँ मैं एक्साइटमेंट में। इसको सीधा हम भी यही होना बाकी रहेंगे था। चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे सेट। ओके तो मेरे पास अच्छे सूट्स हैं। हेडक्वार्टर से मुझे मिथ पैट की फरारी याद आ रही है। जब चल के उसके साथ सेल्फी लेंगे तो मैं उससे पूछूंगा कि उसकी फरारी की दरें जो उसने चुराई थी। अब हमें चाहिए एक अच्छी सी कार जिससे ना यार हम अच्छा सा इंप्रेशन जमा सके। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और हमें इंप्रेशन जमाने के लिए चाहिए एक अच्छी सी कार। इसे तो मैं नहीं लेके जाने वाला, मेरे गैराज में कोई कार। अबे यार साइकिल खड़ी है यहाँ पे, इतनी कार चुराई है मैंने, फिर भी मेरे पास कोई कार नहीं होती। जब कोई टाइम आ जाए साइकिल पे चलते हैं, मुझे नहीं जाना उस कार पे। रास्ते में कोई अच्छी कार मिली तो वो ले जाएंगे, नहीं तो यार अपनी ये साइकिल भी अच्छी है, इस पे स्टंट्स करते हुए जाते हैं हम लोग। अच्छा यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जाने से पहले बार बार शॉप से भी होता जाऊँ, एक अच्छा सा हेयर कट करवा लेते हैं, अच्छा दिखना चाहिए ना। वैसे यार सूट सही लग रहा है, मुझे सही लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि तो अभी हम लोग ना बार्बर शॉप के पास आ गए हैं। वाह यार यहाँ पे एक बैंक है, मैंने ये बैंक पहले कभी नहीं देखा। लोमो बैंक, इतना ही खूबसूरत नाम हो सकता है आखिर किसी बैंक का। पहले बार्बर शॉप पे चलते हैं, साइकिल पे चले जाते हैं अंदर। जा सकता हूँ क्या मैं साइकिल पे? हाँ मैं जा सकता हूँ अंदर। ओके तो अब जल्दी से ना मेरा हेयर कट कर दे। यार ये मेरा हेयर कट करने से मना कर रहा है, नाराज हो गया क्योंकि मैं साइकिल इसके शॉप में लेके आया हूँ। कैसा है यार बिजनेस करना तूने? अब चलो कुछ पैसे तो हाथ लगे, कोई बात नहीं किसी और बार्बर के पास चले जाते हैं, बार्बर मर थोड़ी गए। अब बस हमें ये पता गया हमें साइकिल नहीं अंदर घुसानी शॉप के। ओके तो यहाँ पे कोई बार्बर बैठा हुआ है, पर यार ये शॉप जो है ना उससे थोड़ी कम लेवल की है। कोई बात नहीं चल के बस जल्दी से ना हेयर कट करवा लेते हैं। वो आंटी खड़ी हुई है यहाँ पे, आंटी जी हमें जल्दी से एक हेयर कट दे दो अच्छा सा। ठीक है हमारे पास यहाँ पे ना काफी सारे हेयर स्टाइल है। अबे यार गंजा नहीं करवाना है, ये वाला सही है, ब्लो आउट ये वाला हमें फ्री में मिल रहा है। मेरे पास पैसे देखो यार, मैं कितना गरीब हूँ, फ्री वाला हेयर कट करवाते हैं हम लोग, जल्दी करो ना। ओ नाइस, कितना प्यारा लग रहा हूँ मैं। अच्छा तो बियर्ड्स भी हैं इसके पास। हाँ हाँ ये वाली सही है, इतना टाइम लगा दिया, जल्दी कर। ओके तो अब फ्रैंकलिन फुल रेडी है ना, उठ जाए आप सीट से, आपने बुक नहीं करवा ली हमेशा के लिए। अब कमी है तो सनग्लासेस की। अबे यार ये स्क्रीन ब्लॉक कर रहे हैं, निकल इधर से, तुझे नहीं पता मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपने आगे खड़े हो जाते हैं नमूने। हाँ काफी सारे पैसे मिल रहे हैं आज तो, मेरे पे बरसात होगी पैसों। ओ शेट पुलिस पीछे लग गई, देखो मेरी साइकिलिंग का जादू कैसे मैं आज पुलिस को लूज करता हूँ अपनी साइकिल पे। पीछे एक पुलिस कार आ रही है, जल्दी से निकलते हैं, वो हमें सपोर्ट ना कर ले बस। अबे यार तेज चला ले, क्या कर रहा है फ्रैंकलिन, खाना नहीं खाया लगता आज। यहां से चलते हैं, 1 स्टार पुलिस है, अभी लूज हो जाएगी। सूरत के ऊपर से जंप लगाते हैं, कार के ऊपर से जंप लगाते हैं। ओ नाइस, यहाँ से फिर से इस कार के ऊपर से जंप लगाते हैं। BMX होती ना यार उसके साथ ज्यादा ऊंचे जंप लग जाते। पुलिस कब लूज होगी? वाह यार अच्छा पार्क है, यहाँ पे आना चाहिए घूमने फिरने के लिए। फाउंटेन भी लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे शहर के अच्छे अच्छे लोग, तहजीब याफ्ता लोग भी आते हैं सिगरेट फूकने के लिए। फिर से ना पुलिस पीछे लग जाए यार, मौका वारदात से फरार होना चाहिए जल्दी जल्दी। तुम्हें चाहिए अच्छे से ग्लासेस, इसलिए मैं आ गया हूँ एक कपड़ों वाली शॉप पे। वाह नाइस फ्रैंकलिन, स्टंट फ्रैंकलिन ने पान कब से खाना शुरू किया? वैसे मुंह भरा भरा लग रहा है मुझे इसका, मुझे लगता है हर वक्त ही पान खाता रहता है। हाँ मैं ठीक हूँ, जल्दी से कुछ ग्लासेस दिखा दे मुझे अच्छे से। पता नहीं यार इसके पास ग्लासेस हैं भी कि नहीं, यहीं पे तो होते थे, यहाँ पे तो कोई स्टैंड नजर नहीं आ रहा मुझे ग्लासेस वाला। मुझे किसी और शॉप पे जाके ग्लासेस ढूंढने पड़ेंगे। लगता है इसका कोट बहुत पसंद आ गया है, इतना बकवास कोट है, घंटे से खड़ी उसे घूरे जा रही है यार। फिर से 1 स्टार पुलिस, ओ $12 मिल गए हमें, अपनी ग्लासेस तो आ ही जाएंगे। वो क्या पिक्चर बना रहा है, हट जाओ रास्ते से यार, रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं। यहाँ से तो मुझे ग्लासेस को अच्छे से मिल ही जाएंगे। फिर से स्टंट करना यार, फ्रैंकलिन कितना नूबड़ा है, बार बार गिर जाता है, छोटा सा स्टंट नहीं हो रहा इससे।
उछलते। अबे यार क्या हो, क्या गया है, ठुड्डे लगते फिर रहे हैं, अंधा हो गया मुझे लगता है। ग्लासेस किधर रखे हुए इन लोगों ने? ओ ये रे। अबे यार इसको कैसे पता मेरे पीछे पुलिस है, मुझे ये दे ही नहीं रही ग्लासेस। लगता है आज अपना दिन ही खराब चल रहा है यार। अब तो पुलिस को लूज कर दिया मैंने, इसको अब मुझे दे देनी चाहिए ग्लासेस। अब बिना दिए ना तो मैंने इसकी दुकान उड़ा देनी। ओके तो अब हम अच्छे से ग्लासेस ले सकते हैं अपने लिए, और कौन से अच्छे लगेंगे। रेड कोट के साथ ये रेड फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है आई गेस। यार ये $210 का है, कोई बात नहीं, सेल्फी अच्छी आ जाएगी इन ग्लासेस में। यहाँ पे एक सेल्फी बना लेते हैं। ओके कितना प्यारा लग रहा है फ्रैंकलिन। हैशटैग रेडी टू मीट अ यूट्यूबर। ओके मेरी साइकिल किधर है यार, गिरी पड़ी है, किसने गिराई है? इसी ने गिराई होगी, देख लेता हूँ मैं इसे, सबक सिखाता हूँ इसे मैं। अब हम लोग फुल रेडी है ना, अपने पास एक साइकिल है, साइकिल है, साइकिल पे जाने वाला हूँ मुझसे मिलने। यहाँ पे कोई अच्छी सी कार दिख जाए, कोई अच्छी सी कार। यार क्या हो गया, सारे लोग SUVs लेके घूम रहे हैं यार, में कार जाना बंद हो गई क्या? यहाँ पे कुछ एक मसल कार, अभी पीछे रेड कार आ रही है। हाँ अपने कोट के साथ मैच हो रही है, वाह यार किस्मत चमक गई आज तो। ये नंगा बंदा क्यों बैठा हुआ, निकल इधर से। ये घर से नंगे होके निकल पड़ते हैं गाड़ियाँ चलाने के लिए। ये रेड कार वाकई यार मेरे कोट के साथ अच्छी लग रही है। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, एक काम करते हैं, क्या ना रोड के दरमियान में खड़े होकर अपनी रेड कार के साथ एक सेल्फी बनाते हैं। ओके किधर है मेरा कैमरा? ओके ये रही मेरी रेड कार, मेरा रेड ग्लासेस और मेरा रेड कोट, हैशटैग रेड फ्रैंकलिन। अब हम लोग फुल रेडी हैं और अपने को ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, जल्दी से चलते हैं। तो हमें बीच पे जाना है, पर कहाँ से जाना है यार, इतनी अखीर ड्राइविंग के स्किल्स आ गए ना आज मेरे अंदर कि मैं क्या बताऊँ। एक भी क्रैश नहीं लगा अभी तक अपनी गाड़ी पे, और ना मैं इसको भगाए जा रहा हूँ यार, रेड सिग्नल्स भी नहीं देख रहा मैं। अब यहाँ से ना मुझे लगता है क्रैश लगने वाला है, नहीं लगा देखा ना, प्रो ड्राइवर हो गया हूँ आज तो मैं। एक और शार्प टर्न आ रहा है, यहाँ से भी फुल स्पीड में ड्रिफ्ट मार लेते हैं, कुछ नहीं होता। ओ कोई कट नहीं लगा आज, वाह यार आज तो प्रो हो गया हूँ मैं। ओके तो हम लोग बीच पे पहुंचे हैं, तो और मुझे लगता है वहां पे ना काफी ज्यादा रश मचा हुआ है। स्नाइपर गन लेके आया हूँ मैं, तो जरा देखें कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, अबे यार ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लगता है पार्टी चल रही है। अभी हम लोगों को आगे जाना चाहिए ना, वैसे अनइनवाइटेड पार्टी में जा रहे हैं, कोई कुछ कहे ना यार, गार्ड ही ना कुछ कहे ना, अपनी गाड़ी को यहाँ पे ऐसे ले जाते हैं। ओ नाइस, यहाँ पे तो एक फरारी भी आई हुई है, मुझे लगता है यार मिथपैट अपनी फरारी लेके वो लॉस सैंटोस पहुंचा हुआ है। एक बार देख लें क्या वाकई मिथपैट है ये। वाह यार नाइस, ये तो वाकई मिथपैट है, और ये अपनी फरारी लेके आया हुआ है। ए मिथपैट हेलो हेलो, यार एक सेल्फी तो बनती है ना यार, तुम्हारा फैन हूँ मैं, फ्रैंकलिन तुम्हारा फैन है, हमें एक सेल्फी चाहिए तुम्हारी फरारी के साथ। पता नहीं क्यों इसकी फरारी देख के मुझे कुछ खुजली सी मच रही है। अभी यार इसने मेरी बात नहीं सुनी, पर फिर भी ना हम लोग एक सेल्फी इसके साथ लेने वाले हैं। अरे यार मेरा ना मोबाइल ही थक्कड़ सा है, को ना जूम आउट नहीं कर सकता मैं फ्रंट कैमरा को। नाइस पोज मिस्टर मिथपैट, हैशटैग सेल्फी विद फरारी। कैसे चुराऊं इसकी फरारी, कैसे चुराऊं मैं इसकी फरारी, कैसे चुराऊं मैं इसकी फरारी। हेलो गार्ड कैसे हो तुम, ये खाओ। ये कदमों में जाके गिरा फिर भी नहीं पता चला उसे, ऐसे नमूने गार्ड्स ले गया हुआ मिथपैट। ऐसे तो यार हम लोग सारे गार्ड्स को नॉकआउट कर देंगे एक एक करके। आहिस्ता आहिस्ता से सारे गार्ड्स के पास जाना है और एक एक को तुला के आना है। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अब ये फरारी के पास भी कुछ गार्ड्स खड़े हुए हैं। सबसे पहले ना पिछले गार्ड्स का तो हम लोगों ने काम तमाम कर दिया है, तो इससे पहले ना किसी को पता चले ये SUVs जो है ना जरा साइड पे निकाल लेते हैं, इतनी दूर तक काफी होगी शायद। अभी दूसरी वाली भी साइड पे निकाल लेता हूँ, इसको तो पानी में फेंक देते हैं। यार फ्रैंकलिन कोई बात है करने वाली, सारे कपड़े गंदे कर लिए। तो यार मैं इस पार्टी में तो आ गया हूँ, मैंने सेल्फी भी ले ली है, मैंने पीछे से गार्ड्स को भी साफ कर दिया है, पर अभी तक इन लोगों को पता ही नहीं है, लोग जो लोग पार्टी करने में मसरूफ हैं। मिथपैट से मैंने बात की है कि मैं उसको बहुत बड़ा फैन हूँ, उसके साथ उसकी फरारी पे ना एक राइड लेना चाहता हूँ यार, वो मान गया मेरी बात। अब हम लोग ना इसकी फरारी पे एक राइड लेने जाने वाले हैं, तो थोड़ी देर पार्टी से ब्रेक लेते हैं। अच्छा तो राइड पे हम किधर जाने वाले हैं? यहीं पास में यार फेरिस व्हील तक जा रहे हैं बस। नाइस यार ये फरारी कितनी ज्यादा तेज है। मिथपैट ने अपने व्लॉग में इस जगह से गुजरने की बात की थी ना, चलो इसको यहीं से लेके चलते हैं। अब यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ सकती है कार। ओ नाइस, अब बस हमें एंड तक जाना है। नहीं मैं इस कार को यहाँ से फेंकने वाला नहीं हूँ, तुम लोगों को गलत लगा यार, ये कार भला फेंकने वाली है सही? अभी मैं सोच रहा हूँ इसकी कार यहाँ से नहीं लेके निकलने के लिए कौन सी ट्रिक यूज करूँ। यार यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, गिफ्ट शॉप बनाया हुआ है, यहाँ से कोई गिफ्ट लेके देना था मैंने। हॉट डॉग वाला खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वाला नहीं, उसके पास चलते हैं। वो कह रहे उसे हॉट डॉग नहीं खाना, उसको ना यहाँ से गैच वाला व्यू देखना है, क्योंकि वो गेम में देखता रहता है, अब लॉस सैंटोस शहर आगे भी देखना चाहता है। हाँ अच्छी बात है, जाके व्यू देखो जरा, ये तो लग गया यहाँ पे व्यू देखने याच का। और यार मेरे लिए ना बहुत ही अच्छा चांस है, पता नहीं इसने अपने बायनोक्यूलर्स कहाँ से निकाली, क्योंकि यहाँ पे ना एक बड़ी सारी ये दूरबीन सी भी लगी हुई है। चलो ये याच देखता रहेगा अब, तो जल्दी से ना यहाँ से निकलते हैं इस कार को लेके। अच्छा मौका है क्योंकि इसे पता भी नहीं है कि मेरा घर किधर है। अरे एक सेकंड यार, इसे पता है मेरा घर किधर है, इसको पता है मैं फ्रैंकलिन हूँ, मेरे घर तक ना पहुंच जाए मेरी कार लेने के लिए। तो अभी बात की ना बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल ना इस कार के मजे लेते हैं,
क्योंकि ना कार बहुत ज्यादा तेज है और ऐसी कार ना अभी शहर में और किसी के पास भी नहीं है। तो अभी फ्रैंकलिन आज शहर का ऐसा यूनिक बंदा बना हुआ है जिसके पास एक फरारी एलए फरारी है। तो अभी फिलहाल इसके मजे लेते हैं। ओके, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। और यार ऐसे मजे मजे के एपिसोड मैं लाता रहूंगा तुम लोगों के लिए। और अभी मुझे भी जाना है तो ठीक है, गुड बाय।